उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से दुकानों के आवंटन से लगाए सभी लाइसेंसों को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही इसका माखौल उड़ रहा है। दरअसल राजधानी के आलमबाग मेट्रो स्टेशन के बगल में आबकारी विभाग थाने के मिली भगत से खुलेआम शराब परोसी जा रही है, जबकि बिना किसी रोक टोक के लोग इस संवेदनशील जगह पर नशे की घूंट ले रहे हैं। भैया दुकान कब तक खुली रहेगी खाने होने वाली? अभी डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा टाइम क्या हो रहा है अभी? कोल्ड ड्रिंक पी मिला पी सकते हैं ना अंदर? हाँ आराम से पी सकते हैं ना। सर मतलब पीने में दिक्कत तो नहीं होगा? सर कोई दिक्कत नहीं। पक्का? दूसरी तरफ विभाग की बाने तो नियमावली का पालन करने के लिए कठोर कदम उठाने की बात कह रहे हैं, जबकि कार्रवाई करने का राग अलाप रहे हैं। एफएल 11 नियमावली की बात करें तो लाइसेंस ऑनलाइन है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी विभाग हाथ से लाइसेंस जारी करके धन उगाही में लगा है। लोग रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं, जब से मैं आया हूँ रेगुलर चेकिंग की जाती है। आप बता रहे हैं चेकिंग की जाती है और कार्रवाई भी की जाती है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। आपने जो नाम बताए हैं उसको प्रायोरिटी पे देखा जाएगा। आबकारी विभाग हमेशा अपने कारनामों को लेकर सुर्खियां बटोरता रहता है। कभी मिलावटी शराब के अड्डों से धन उगाही, तो कभी कोटे के खेल से आवंटियों से रिश्वत लेने के मामले पर। राजधानी में जिस तरह से एफएल 11 नियमावली का माखौल उड़ रहा है, उससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि रेस्तरां मालिकों थानों की मिलीभगत से खुलेआम होटलों में शराब परोसी जा रही है, जिसका कमीशन ऊपर से नीचे तक सबका सेट है। विक्रम मिश्रा, एपीएन